हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ, दैट इज़ CSIR नेट, जो कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे जून एंड दिसंबर। तो जून 2023 एंड दिसंबर 2022, उन दोनों का जो कम्बाइंड फॉर्म है वो रिलीज़ हो गया है। वो आप कैसे फिल करेंगे उसके लिए एक शॉर्ट अपडेट है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपने टाइप करना है गूगल पे CSIR नेट और आपको सबसे ऊपर NTA.NIC.IN की वेबसाइट दिखाई देगी और इस पर आप जब क्लिक करेंगे, तो इसको क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा CSIR का होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शंस है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। तो जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने का। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये एक पेज है। सेम होम पेज पे ही यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। सो दैट्स टोटली फाइन। आप इसको ओके करेंगे और इसको ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको पहले तीन स्टेप में ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। पहला स्टेप है आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, क्योंकि आप एक न्यू कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे और पेमेंट फीस को सबमिट करेंगे। सो ये तीन स्टेप में आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। आपको ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें, आप अपना सही फ़ोन नंबर प्लस सही ईमेल एड्रेस दें, बिकॉज़ वो सारी चीज़ों के लिए फ्यूचर में आपसे उन्हीं ईमेल एड्रेस और उसी फ़ोन नंबर पर कम्युनिकेट करते हैं। सो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक वेबसाइट जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ को ओपन करके दिखाएगा। आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टीपल जो भी चीज़ें हैं, जो फॉर्म की डेट है, क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से रजिस्टर की गई हैं। अब आप जैसे लिख देंगे ना यहाँ पे कि आई हैव डाउनलोडेड द फुल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स, लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। फिर आपके जो एड्रेसेस हैं उन सब चीज़ों को आप जब फिल करेंगे यहाँ पे, उसके अलावा आपको अपना सारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस प्लस परमानेंट एड्रेस प्लस पासवर्ड, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक रजिस्टर्ड मेल आ जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हो। ये आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पेज है, आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से भरनी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर आप जब नेक्स्ट करोगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपसे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और बाकी तरह के जैसे आपके सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा ये एक दिखा देती हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने डाउनलोड किया है वो कैसा दिखेगा। तो ये देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये दिसंबर 2022 से जून 2023, ये जो दोनों एग्जाम्स है उसका कंबाइंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट अ ग्लैंस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये 10 तारीख यानी कि 10/3/2023 से 10/4/2023 यानी मार्च से अप्रैल 10 तारीख तक के बीच का ये डेट आपको दिया गया है, और वो भी 5 बजे तक का, शाम के 5 बजे तक। आप यहाँ पे जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एग्जामिनेशन फीस की, वो 10/4 तक ही कर सकते हैं एंड दैट टू 11:50 PM। तो ये आप इतने टाइम तक इसको फीस को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन, जो नई रजिस्ट्रेशन है, वो आपकी 10/4 के यानी 10 अप्रैल के 5 बजे शाम तक ही होगी, ठीक है। फिर आता है कि फीस जो आपकी पेबल है वो क्या है। जनरल कैटेगरीज़ के जो बच्चे हैं वो 1100 की फ़ीस देंगे, और EWS या OBC कैटेगरी के बच्चे 550 देंगे। SC ST के बच्चे जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, दे विल पे ओनली 275 रुपीज़। देन थर्ड जेंडर 275 रुपीज़, और जो PWD कैंडिडेट हैं वो, उनको फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। और ये जो फ़ीस का मोड ऑफ पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI, आप किसी से भी पे कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर आता है कि जो करेक्शंस हैं, क्योंकि अगर आप, हो सकता है फॉर्म में आपने कुछ गलती कर दी हो बाय चांस, जो कि आपको नहीं करनी है, पहले से ही आप ध्यान रखें ताकि आपको दोबारा इस ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। बट इन केस मान लीजिए किसी ने गलती से गलती कर ही दी, तो आपके पास ऑप्शन मिलता है 12/4 से लेकर के 18/4 यानी अप्रैल में 12 तारीख से 18 तारीख का एक विंडो आपको दिया गया है, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलतियां हैं तो आप उसको रिकरेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये CBT, क्योंकि इसमें सारा कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन हैं आपके पास। फिर एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का है इन टोटल, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो शेड्यूल की गई है वो 6/7/8 जून की है 2023 में।
तो और प्लस टाइमिंग का एग्जाम का जो है वो सारा कुछ आपको धीरे धीरे वेबसाइट पे मेंशन किया जाएगा, इसलिए यू आर सपोज टू विजिट दिस वेबसाइट दैट इज csirnet.nic.in या फिर nta.ac.in, ये वाली जो वेबसाइट्स हैं आप इनको रीविजिट करते रहिए, क्योंकि जो भी ये नई इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे लिखा है ना विल बी अनाउंस्ड ऑन NTA वेबसाइट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको विद टाइम ही अनाउंस होंगी, अभी इन्होंने ये सारी चीज़ें भी अनाउंस नहीं की है। फिर आता है कि कैंडिडेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन मोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसा पहले होया करता था कि पहले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स होती थी, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरो फिर ऑफलाइन भेजो, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ से हटा दी गई हैं। प्लस कैंडिडेट्स जो हैं उनको ये ज़रूर से ज़रूर बुलेटिन पढ़ लेनी है और उसके बाद ये पूरा फॉर्म फिल करना है, बिकॉज अगर आपकी कोई गलती रहती है और अगर आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए हैं तो आप डिसक्वालीफाइड भी किए जा सकते हो। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको, ऑब्वियसली मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि आपको CSIR की साइट पे देखते रहना है, आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ पे करेक्शन के लिए या फिर नेक्स्ट जो अपडेट्स हैं उसके लिए आपको चेक करते रहना है। आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है जो कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे वो ज़रूर सही होने चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको वो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं मिल पाएगा। फिर आपको जो फॉर्म है वो तीन ही स्टेप में भरना है, जैसा मैंने पहले आपको बोला कि आपको पहले रजिस्टर करना है, जो मैंने आपको एक पेज दिखाया था जहाँ पे हम रजिस्टर कर रहे थे, जहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर स्टेप टू में आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं नीचे ही इसी बुलेटिन में, आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका साइज़ जो है वो 10KB से 200KB के अंदर अंदर होना चाहिए, वो कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट दोनों हो सकता है, और उसके अलावा आपको सिग्नेचर जो है वो 4KB से 30KB के अंदर का ही रखना है, साइज़ आप फाइल की बड़ी नहीं करेंगे अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होगी, वहाँ आपको दिक्कत होने हो सकती है। फिर यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको PDF फॉर्मेट में जो भी यहाँ पे एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको PDF फॉर्मेट में आपको अटेस्ट करवाने के बाद PDF फॉर्मेट में दैट इज़ 50KB से 500KB की साइज़ का एक PDF अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर एलिजिबल है, जैसे आप SC ST OBC या EWS एटसेट्रा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भी आपको एक PDF फॉर्मेट फाइल साइज़ जो कि 50 से 300KB के बीच का होगा वो अपलोड करना है। अगर आप PWD कैटेगरी में हैं तो आपको तब भी वहाँ पे एक सर्टिफिकेट जो कि इसके लिए एप्लीकेबल है वो आपको PDF फॉर्मेट में फिल करके मतलब PDF फॉर्मेट में उसको अपलोड करना है, 50KB से 300KB से ज़्यादा साइज़ उसका नहीं होना चाहिए। फिर आता है कि आपको फ़ीस जो है वो कैसे देनी है, थर्ड स्टेप है ये आपका, जहाँ पे फ़ीस जो है वो आपकी नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर आप UPI से भी दे सकते हैं। आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म यू आर सपोज टू डाउनलोड एंड सेव एंड प्रिंट कॉपीज ऑफ कन्फर्मेशन पेज, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप कब करेंगे, जब आप पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, जब आप पे कर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर द PWD कैंडिडेट्स जिनको पेमेंट नहीं करनी, उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको पहले पेमेंट करनी है और उसके बाद इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आपको भेजना नहीं है कहीं। ये सब करने के बाद फिर आता है कि जो एक्चुअली इसमें इन्होंने एक नोट्स लिख दिया है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेप 3 कंप्लीट नहीं है, दैट इज़ अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो आपका फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट दिखाएगा और इस तरह के एप्लीकेशन फॉर्म की वो कोई करस्पॉन्डेंस आगे नहीं लेंगे, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्लस यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग COVID-19 पैंडेमिक भी जारी किया है। आपको 31,000 पर मंथ का GRF मिलता है जो कि पहले 2 साल के लिए मिलेगा और 20,000 का पर फेलो है 1 साल के लिए, एनुअल कंटिजेंट ग्रांट लिखा हुआ है ना ये, तो ये एनुअल कंटिजेंसी होती है जिसमें आप अपना पेपर्स और वो बाकी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन पेपर और ऐसे प्रिंटआउट्स एट्सेट्रा, तो इन चीज़ों के लिए आपको 20,000 की कंटिजेंसी एडिशनल मिलती है, बट 31,000 ये आपको पर मंथ मिलेगा, 20,000 आपको एनुअली मिलेगा। आपका 2 साल का GRF अगर आपने सही तरीके से काम किया है और आपकी कमेटी आपको अपग्रेड करती है और आपको रेकमेंड करती है, तो आपका जो GRF है वो SRF में अपग्रेड हो जाएगा जिसका अमाउंट 35,000 पर मंथ होगा और थर्ड ईयर से लेकर के नेक्स्ट ईयर तक का, लाइक 5 ईयर्स तक की फेलोशिप होती है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में आपको 35,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी प्लस 20,000 का जो ग्रांट है एनुअल ग्रांट वो हर स्टूडेंट को हर साल दिया जाएगा। जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देखिए या तो आपके पास MSc या उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, जैसे कि इंटीग्रेटेड BS या MS कोर्स है या BS 4 ईयर्स का है या BE BTech में है, आप BPharma किया है, आपने MBBS किया है, लेकिन आपका परसेंटेज जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ, ये नहीं कि आपका 54.9 है और आप बोल रहे हैं आप 55% में हैं तो वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपकी जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 55% होनी ही चाहिए।
और उसी तरह से जनरल EWS जो हैं उनकी 50% होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो विदाउट राउंडिंग इट ऑफ फॉर OBC एज वेल एज SC रहते हैं, या अगर आपके पास BSc ऑनर्स या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री है, आई मीन आप फाइनल ईयर में हैं वो नहीं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपने BSc कर ली है, आपने जब BSc कर ली है ऑनर्स या फिर इक्विवेलेंट डिग्री से, तो आपके पास, या फिर आप एनरोल्ड हैं MS PhD प्रोग्राम के लिए, यानी जहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं ना, जहाँ पे मास्टर्स और PhD दोनों को इंटीग्रेट करके एक सर्टेन ड्यूरेशन में फिनिश कर दिया जाता है, तो अगर आप किसी इस तरह के एग्ज़ाम क्लासेस के लिए एनरोल्ड हैं तो, और अगर आपकी परसेंटेज जो थी वो 55% थी, तो आप एलिजिबल हैं इस तरह की फेलोशिप के लिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री कंप्लीटेड ही हो, आपके पास BSc ऑनर्स की डिग्री अगर है, आपके हाथ में डिग्री है और आप एनरोल्ड भी हैं अगर किसी और PhD MS प्रोग्राम के लिए, MS PhD प्रोग्राम के लिए, तो भी आप एलिजिबल हैं, आप ज़रूर उस फॉर्म को अप्लाई करिए। लाइकवाइज इस एग्ज़ाम की जो अपर एज लिमिट है, क्योंकि हमने भी बोला था कि JRF कौन अप्लाई करेंगे और कौन LS के लिए अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। JRF के लिए जो है वो वहाँ पे 28 ईयर्स मैक्सिमम एज है, 1/7/2022 तक के बीच में आपकी जो एज होनी चाहिए वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की लेकिन रिलैक्सेशन दी है इन्होंने 5 ईयर्स की, किन लोगों को, जो SC हैं, ST हैं, थर्ड जेंडर हैं, या फिर पर्सनस विथ डिजेबिलिटी हैं, या फिर फीमेल एप्लीकेंट्स, और 3 साल इन केस ऑफ OBC या नॉन क्रीमी लेयर एप्लीकेंट्स जो हैं उनके लिए। तो आप JRF के लिए नॉर्मल जो है वो एज 28 ईयर्स है, बट अदरवाइज जो है ये यहाँ पे कुछ इन्होंने कैटेगरीज दी हैं जिनको यहाँ पे 5 साल का या फिर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, और ये एज रिलैक्सेशन इन्होंने बता दिया है कि ये सिर्फ इसी एग्जामिनेशन साइकिल के लिए है। लाइकवाइज जो लेक्चरारशिप है या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें कोई जो अपर एज लिमिट है वो नहीं होती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये वाली जो कैटेगरी थी, जो जिन बच्चों का यहाँ पे, ये जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि जहाँ पे बच्चों ने MS PhD प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है या वो कर रहे हैं, तो वैसे जो बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ बैचलर्स की डिग्री है, दे कैन ओनली अप्लाई फॉर JRF एंड नॉट फॉर लेक्चरारशिप। एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है JRF और लेक्चरारशिप में, मैं आपको वो समझा देती हूँ। JRF जो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर आप LS के लिए अप्लाई करते हो तो आप सिर्फ कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हो, आपको उसमें फेलोशिप नहीं मिलती। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। इसलिए अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो डू ऑलवेज अप्लाई फॉर JRF, क्योंकि JRF जो है वो टॉप रैंकर्स को मिलता है, फिर जो बाद वाले जो बच्चे होते हैं उनका सिर्फ LS होता है। LS मतलब आपको लेक्चरारशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिल गई है, आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं, बट आपको फेलोशिप ग्रांट नहीं की जाएगी फॉर योर PhD प्रोग्राम। सो ये डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में, इसलिए चूज़ दिस ऑप्शन केयरफुली कि आप JRF ही अप्लाई करें। फिर आता है यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये एक ब्रोशर है या बुलेटिन है, ये बहुत बड़ा है, 97 पेजेस का है। इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में दी हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत है इसको। तो इसमें एग्जामिनेशन इन्होंने बताया है कि CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। इसमें आप देखिए यहाँ पे लाइफ साइंसेज जो है हमारा मेन कंसर्न वो है कि आपको टोटल क्वेश्चन जो है वो 145 होंगे, पार्ट ए बी और सी तीनों को मिलाकर के। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है जिसमें से आपको मैक्सिमम 15 अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में 50 है उसमें से मैक्सिमम 35 अटेम्प्ट करने हैं, और पार्ट सी में 75 है उसमें से मैक्सिमम आप 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी आपको टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो 75 है, यानी 75 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो टॉप के जो क्वेश्चन आपने मान लीजिए 15 से ज़्यादा कर दिए, आपने 17 कर दिए, तो टॉप 15 जो होंगे वो आपके मार्क होंगे। दो बाद वाले दो हैं वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसका आपके आंसर शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप सही आंसर करते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपको दो दो नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.5 डिडक्ट हो जाएंगे, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। लाइकवाइज पार्ट सी में अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो 25 क्वेश्चन करने हैं टोटल, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, अगर आपने गलत अटैम्प्ट किया तो आपके 1 मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। सो आंसर केयरफुली पे एक एनेक्शर दिया हुआ है जहाँ पे कौन कौन से सिटीज़ में एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो आपको बताया गया है। आप अकॉर्डिंगली अपने 4 पसंदीदा शहर चुन सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स एनेक्शर्स हैं वो दिए हुए हैं, जो आपको अगर आप उस कैटेगरी या उस एनेक्शर को आपको ज़रूरत है तो आपको वो फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने दी हुई है जो कि मुझे बहुत पसंद है इनके बुलेटिन में, कि ये यहाँ पे क्या देते हैं पूरा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका कैसा दिखेगा। आप यहाँ पे एक मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए, ये एक बहुत सही चीज़ है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप NTA की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पे एक मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा आपके लिए। आप उसको जब देंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड दिखता कैसा है, क्योंकि जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ हो सकती है कि आप ज़रूर से ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट दे करके और यहाँ पे आप
लॉग इन करके और उसके बाद एग्जाम दीजिए। फिर यहाँ पे आप देखिए रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कि यहाँ पे किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा वो सारा इन्होंने बताया हुआ है। ये सेम डैशबोर्ड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जहाँ पे आप पहले अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप पहले न्यू रजिस्टर करेंगे, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपका कैसा रजिस्ट्रेशन डेस्क है, कैसा एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा और कैसी फीस पेमेंट होगी, तीन स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी दिखेंगी, ये देखें, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये इस तरीके से जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको एक रिव्यू पेज आ जाएगा, जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट या सबमिट एंड सेंड OTP वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है भरने के बाद, जब आपने पूरी चीज़ें फिल कर दी हैं, तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी फीस तक भी पे कर चुके हैं आप, तो आपको कुछ फाइनली इस तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिखेगा, जिसको आपको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये जो बुलेटिन है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसको वहाँ से डाउनलोड करना। सो आप सबको ऑल द बेस्ट, और अपने अपने फॉर्म्स टाइम पे भर दीजिए, ताकि बाद के रश आवर में आप फंस ना जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।